महत्त्वाची बातमी एक वेळ देश सोडेन पण वंदे मातरम म्हणणार नाही यदी अशी वादग्रस्त भूमिका समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी तसंच एमआयएम पक्षाचे आमदार वारिस पठाण यांनी मांडली आहे. वंदे मातरम संबंधी मद्रास उच्च न्यायालयानं नुकताच एक निर्णय सुनावला आहे त्यावर अबू आझमी आणि वारिस पठाण यांनी मुंबईत ही प्रतिक्रिया दिली आहे. बार बार इस तरह की चीज़ें ला करके कि वंदे मातरम, भाई वंदे मातरम जो पढ़ रहा पढ़े ना, शहनवाज हुसैन पढ़ रहा है और वो जो है अब्बास नकवी पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं. इस्लाम में शराब पीना मना है, बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं. परंतु मेरा ये कहना है कि ज़बरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता. अगर सच्चा मुसलमान होगा, इस्लाम को मानने वाला होगा, तो कभी वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा. हमें इस मुल्क से निकाल दो, हमें गोली मार दो. अगर हमें थोड़ी भी इबादत, हमें थोड़ी भी इस्लाम की चाहत होगी, अगर सच्चे हम मज़हब वाले होंगे, तो हम कभी भी वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते. हम नहीं बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, हम संविधान को मानने वाले और किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं करते, क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप किस तरह फोर्स कर सकते हो? बोलने दो उनको, मुझे फोर्स करके दिखाओ. मेरे गले पे छुरी रख दो या मेरे सर पे गन रख दो, मैं नहीं बोलूंगा. और अगर ये लोग सदन में भी उठाएंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, तू तो नेल विरोध करूंगा इस बात का. क्योंकि अगर यदि मेरा धर्म मुझे किसी चीज़ का, किसी स्लोगन बोलने का इजाज़त नहीं देता, तो मैं नहीं बोलूंगा. आप फोर्स और जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकते. जिस पे आप करके दिखाना चाहते हो करो. वारिस पठान नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.